Dab Festival for the very first time in the history of Kanpur. Of artists and art. This is Pavaki Kala Stotra 2.0. Pavaki Kala Sutra, एक मेगा आर्ट एग्जीबिशन जहां पे 400 आर्टिस्ट अटेंड करने वाले हैं एंड ऑलमोस्ट 2000 आर्टवर्क लगने वाले हैं और ये कलारम टीम के साथ कोलाब हुई है। आपको सीधे एग्जीबिशन पे लेने से पहले कुछ BTS दिखाता हूँ जो कि शायद ही आपको कहीं देखने मिलेगा। तो ये बात है 30 नवंबर 2022 की, जहाँ पर पावकी के एक कोर टीम वॉलेंटियर एंड मैनेजमेंट वालों के साथ मीटिंग के ऊपर मीटिंग्स करे जा रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ पावकी के और एक कोर टीम 400 आर्टिस्ट के एकोमेंडेशन को देख रहे थे। एग्जीबिशन के डेट बहुत क्लोज है और अभी भी बहुत सी चीजें पेंडिंग पड़ी है। एक हेक्टिक डे के बाद रात को हम लोग ने डिसाइड किए रेस्ट जितने भी आर्टवर्क है उन सभी को अनपैक करते हैं, क्योंकि एग्जीबिशन के डेट बहुत क्लोज आ चुके थे। और इतने में ही मेरे फेवरेट आर्टिस्ट बिसोल सर के आर्टवर्क्स आए। आगे बिसोल सर के डेमो भी देखने मिलेंगे। सिर्फ बिसोल सर ही नहीं, अदर सेलिब्रिटी आर्टिस्ट उनका भी आर्टवर्क्स आपको देखने मिलेगा और डेमो भी देखने मिलेगा। पावा की में ऑलमोस्ट 90% आर्ट आ गए हैं, कुछ फ्रेमिंग के लिए जा चुके हैं और बहुत कम ही कुछ बचे हैं फ्रेमिंग के लिए, वो आज भी चले जाएंगे। फ्रेम शॉप में भी ऑलमोस्ट सारा वर्क आ गए हैं। यहाँ बहुत ही नीटली सारा वर्क को किया जा रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छा जो चीज मुझे लगा, जब मुझे यहाँ के ओनर के साथ बात करने का मौका मिला, जब वो बता रहे थे कैसे वो एक छोटा सा शॉप को स्टार्ट किए थे और आज इनके पास इतने सारे मशीन है, इतने सारे बल्क अमाउंट में ऑर्डर्स को रखते हैं। जी सर। और सर ये जो मशीन है आगे वाली मशीन, ये वाली एल्युमिनियम के अंदर फ्रेम काटती है जी, मेड इन यूएसए की मॉन का। तो भैया किसी ने सच्ची कहा है, बंदे को काम से प्यार होना चाहिए, बाकी उसमें से खुशियाँ वो खुद ही ढूंढ लेता है। और इतने में पावकी के पार्टनर कलारम के टीम भी आ गए। कलारम एंड अदर आर्टिस्ट के स्टेइंग कानपुर IIT में ही हुई थी, जहाँ पे मेन इवेंट होने वाला है। कलारम टीम के बाद फिर से एक लॉन्ग डिस्कशन एंड प्लानिंग हुई अबाउट द एग्जीबिशन, जो कि बहुत हेल्पफुल था। डिस्कशन के बाद हम लोग फील्ड गए जहाँ पे आर्टवर्क्स लगने वाले थे और अभी तक कोई भी आर्टवर्क नहीं लगे थे एंड पूरी प्रिपेरेशन भी नहीं हुई थी। और ये सब कंप्लीट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक दिन है, देखते हैं क्या होता है। थैंक्स टू PKS के वॉलंटियर एंड कलारम टीम, जिनके वजह से ऑलमोस्ट सारा आर्टवर्क लग गया। आज है December 3, फर्स्ट डे ऑफ आर्ट एग्जीबिशन। टू बी ऑनेस्ट, आज का डे बहुत मैटर करता है, क्योंकि आज ही 400 आर्टिस्ट एक प्लेस में मीट करेंगे, डेमोस होगा और भी बहुत सारे कुछ चीजें होगा, तो सबका रिएक्शन एंड एक्सपीरियंस कैसे होगा वो एंड में ही पता चलेगा। इवेंट की फर्स्ट डे स्टार्ट हुई वासुदेव कामत सार के स्पीच एंड डेमो के साथ। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको आई बटन नहीं तो डिस्क्रिप्शन में वासुदेव सर के ये स्पीच की पूरी फुल वीडियो मिल जाएगी, वो जरूर देखना। अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म होती है, अब आप लोग देखने वाले हैं आर्ट। Thank you.
अब लंच होने के बाद आती है एग्जीबिशन डे वन के सबसे प्राइसलेस मोमेंट, डेमोज बाय सेलिब्रिटी आर्टिस्ट। शक्ल दिखाना है जरा, शर्माने वाली। नो मीडिया प्लीज, नो मीडिया। और इस चीज को देखने की अलग ही क्रेज थी आर्टिस्टों के बीच में, और सच कहूं तो वो पल भी वैसा ही था। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट एक साथ डेमो देना किस्मत वालों को ही देखने मिलता है। कला की प्रदर्शन सिर्फ इतने में नहीं रुका, रात में आर्टिस्ट अपने रूम्स में, ग्रुप्स में, अपने ही वे में एंजॉय कर रहे थे। और हमारे रूम में केके सर एंड गोयल सर छाए हुए थे। जो छूले प्यार से आराम से मर जाऊं, आ जा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे प्यार में हो जाऊं। लेट सोने की वजह से एग्जीबिशन डे टू को थोड़े से लेट में पहुंचे, और तब तक आर्ट कंपटीशन शुरू हो गई थी। और ये कंपटीशन में कानपुर के लोकल स्कूल के बच्चों के लिए था। इसके बाद आर्टिस्टों का फिर से डेमो चला, और आज मोर देन 30 आर्टिस्ट ने एक साथ डेमो दिए थे। आज भीड़ कुछ ज्यादा ही थे आर्टवर्क को देखने, क्योंकि आज लास्ट डे था। लास्ट डे के लास्ट मोमेंट पर आदित्य चरी सर, बिस्वल सर, अमित सर, मिलिंद मल्लिक सर ने मुझे मेरे आर्टवर्क के ऊपर क्रिटिक दिए एंड वैल्यूएबल टिप्स दिए, जो कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फिर आई क्लोजिंग सेरेमनी, जहां पूरे पावक के टीम एंड कलारम टीम विद सेलिब्रिटी आर्टिस्ट फोटो क्लिक किए, सॉन्ग्स प्ले हुए। और इसके साथ मिलिंद मल्लिक सर ने गिटार प्ले करते हुए इवेंट को क्लोज किया। जैसे जैसे रातें बढ़ती जा रही थी और इवेंट खत्म होते जा रही थी, सभी के हसीन चेहरे पे कहीं ना कहीं एक अजीब सी उदासी थी। ये उदासी किसी के लिए अपने नए बनाए हुए दोस्तों से बिछड़ने का था, तो किसी के लिए अपने गुरुओं से बिछड़ने का था। अगर आप इस इवेंट को अटेंड किए हैं, अपना कुछ पल जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। थैंक्स टू ऑल अदर आर्टिस्ट जिन्होंने मुझे ये वीडियोस दिए और जिनके वजह से ये वीडियो बन पाया।
I don't think so. Yeah, bhai.